कोटा के दशहरा मेले में बीते चार दशकों से होने वाली रामलीला मंचन में इस बार सांगोद के प्रत्युष शर्मा भी नजर आएंगे। श्री राघवेंद्र कला संस्थान कोटा की ओर से होने वाली रामलीला मंचन में प्रत्युष शर्मा का भरत की भूमिका के लिए चयन हुआ है। प्रत्युष के पिता कीर्तिवर्धन शर्मा ने बताया कि इस कला संस्थान की देश भर में विशिष्ट पहचान है तथा रामलीला मंचन के कलाकार लगभग 2 माह से अभ्यास में जुटे हैं। रामलीला मंचन 15 अक्टूबर से शुरू होगा। इसमें रामचरित मानस, वाल्मीकि रामायण, कंदब रामायण सहित अनेकों महाकाव्यों से संवादों को जोड़ा गया है। संस्था के कलाकारों में पुरुष, महिला और बाल कलाकार शामिल है। आगामी पीढ़ी को रामचरित्र से जोड़ने के उद्देश्य से नए कलाकारों को भी मौका दिया जा रहा है ताकि वह अपने सनातन धर्म एवं भारतीय संस्कृति से परिचित हो सके। व्यास पीठ पर अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास सत्यनारायण शास्त्री तथा उनकी पुत्री शिवा उपाध्याय द्वारा की जाएगी। सती मोहर, राम जन्म, निषाद मिलन, केवट प्रसंग, भरत चरित्र, सुंदरकांड सहित अनेकों दृश्यों को प्रभावी बनाने के लिए निर्देशक ब्रजराज गौतम के निर्देशन में कलाकारों को तैयार किया जा रहा है। क्या कहा कुबुद्धि मूर्ख, माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम ही माता मेरी, सूर्य कुल की रानी हो, सूर्य कुल की रानी हो, क्या तुम ही जन्मदाता मेरी, मैं भूल रहा माता हूँ, तुम भूल जाओ कोई पुत्र हुआ, इस क्षण से नाता तुमसे अब जीवन भर को बेसूत्र रहा, अरे वर मांगते समय तुम्हारी जिह्वा नहीं मिली। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।